हेलो फ्रेंड्स, केवीएस का जो वेबसाइट है उसका इंटरफेस काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, मैंने काफ़ी देर से इस वेबसाइट पे हूँ, kvssangathan.nic.in पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है स्लाइड शो चल रहा है, इनका फोटो सेशन यहाँ पे चलते हुए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट भी कर सकते हो, नेक्स्ट नहीं भी करोगे तभी कुछ समय बाद वो जो है स्लाइड्स अपने आप यहाँ पे चलने लग जाती है। ठीक है, तो नीचे आते हैं और इसका इंटरफेस काफ़ी चेंज हो चुका है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी सर्च किया तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट या फिर करियर नाम से एक तो भी कॉलम इन लोगों ने बनाना चाहिए था, बट यहाँ पे करियर या फिर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नाम से कोई भी यहाँ पे कॉलम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये सब दिया हुआ है सारी चीज़ें, बट यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट नोटिस है, अगर इम्प्लॉयमेंट नोटिस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो किस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको न्यू नोटिस देखना है तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी नया नया इन्होंने यहाँ पे मॉडिफिकेशन किए हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है, आंसर किस दिया हुआ है, इस तरीके से इन्होंने बनाया। यहाँ पे एडमिट कार्ड्स आप दिख रहे होंगे तो आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड टू एंड LDC, लिंक फॉर सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, स्किल टेस्ट 14th of August को, ये जो है 2018 को ये नोटिस आया हुआ था उसके बारे में इन लोग ने यहाँ पे दे रखा। तो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली कैसा था कि वहाँ पे सारा कुछ मिक्स हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोग ने क्या किया है, एडमिट कार्ड्स के लिए अलग से कॉलम बनाया है। आपको इम्प्लॉयमेंट नोटिस में जाना होगा, यहाँ पे इम्प्लॉयमेंट नोटिस में आपको दिख जाएगा। अभी लोड हो रहा है, अभी नया नया वेबसाइट इन लोग ने बनाया है तो थोड़ा सा लोड लेगा ही, फिर से हम लोग इसको ट्राई करते हैं। और आने वाले समय में इसका स्किल टेस्ट का भी आपका आने वाला है कुछ ही दिन बाद। तो देखिए ये और ये सेम ही विंडो है, बट यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, यहाँ पे एडमिट कार्ड्स के लिए लोग ने अलग से बनाया है, इंटरव्यू नोटिस का अलग इन्होंने कॉलम बना रखा है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए अलग बनाया है, पैनल्स अलग बनाए हैं, रीजनल ऑफिस का अलग बनाया है, रिजल्ट मिसकेलेनियस है, फिर आंसर की के लिए इन्होंने अलग से एक पेज बना दिया है, सिलेबस के लिए इन्होंने अलग से पेज बना दिया है, और वैकेंट पोजीशन के लिए इन्होंने अलग से पेज बना दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बट ये काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स में है, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे जो है इसको अच्छी तरीके से इसमें करना था। और जिस तरीके से यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेनू बन जाता है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बन जाता है, तो यहीं पे कहीं इन लोग ने यहाँ पे दे देना था रिक्रूटमेंट या करियर का। और करियर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो ड्रॉप डाउन में ये सारे कंटेंट आना था, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा छुपा दिए इन्होंने सबसे नीचे में, इम्प्लॉयमेंट नोटिस डाल के सबसे नीचे में आया हुआ, थोड़ा छुपा दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे ऊपर रहना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे अगर आपका जब भी कुछ अनाउंसमेंट होता है नया तो ये अपने आप ही स्क्रोल होने लग जाता है, तो यहाँ पे भी आप रीड मोर पे अगर क्लिक करोगे तो सारे नोटिस, सारे अनाउंसमेंट यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनेशन आया हुआ है समथिंग श्री सुशील कुमार मिश्रा, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, इसका जो आया हुआ था 17th of August 2018 को। तो इस तरीके से ये नया इंटरफेस बना हुआ है, काफ़ी अच्छा तो लग रहा है, तो अच्छा ही है मेरे ओपिनियन से अगर देखा जाए तो। नया वेबसाइट तो काफ़ी इन्होंने चेंजेस किए हैं, काफ़ी अच्छा चेंजेस किए हैं, बट यहाँ पे पब्लिसिटी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, काफ़ी सारे स्लाइड शो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे दिए हैं और पूरा पेज ही यहाँ पे स्लाइड शो में चले जाता है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे नया नया वेबसाइट बना होने की वजह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विजिटर्स भी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नीचे आते हम लोग और यहाँ पे देख पा रहे होंगे फोटोज वीडियोज काफ़ी सारा इन लोगों ने दे रखा है यहाँ पे। इसके बाद में हम लोग और कुछ बात करेंगे, कुछ नोटिसेस भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे कट ऑफ है, यहाँ पे आप देख पा रहे LDC की कट ऑफ दिख रही होगी OBC की। तो ये सारा चीज़ें मैं पढ़ रहा था ताकि एनालाइज कर सकूँ कि किस तरीके से आपका आने वाले समय में KVS का कट ऑफ इंक्रीज होने वाला है, उसके बारे में मैं बात करूँगा अलग से एक वीडियो में, जब आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका मेरिट लिस्ट कितने नंबर पे आने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ LDC की बात कर रहा हूँ मैं। तो LDC में नंबर ऑफ वैकेंसीज जितनी है और उसके कंपेरिजन में काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया गया है, तो कट ऑफ भी यहाँ पे बढ़ने वाली है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बात करूँगा। ये वीडियो था बेसिकली जो KVS की जो वेबसाइट है ये हो चुकी है चेंज, इसका इंटरफेस जो है काफ़ी अच्छा हुआ है, चेंज हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी नोटिस नया देखने के लिए जाना होगा, इम्प्लॉयमेंट नोटिस पे आपको क्लिक करना होगा,
एम्प्लॉयमेंट नोटिस पे क्लिक करने के बाद में आपके आने वाले समय में एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, तो आपको एडमिट कार्ड्स पे क्लिक करना होगा। और एडमिट कार्ड्स पे क्लिक करते ही आपको जो है इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, और आने वाले हो सकता है 3 से 4 दिन में यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यही था गाइज एक वीडियो, केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट चेंज हो गई है और आपको कहाँ से आपके एडमिट कार्ड देखना है उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हो। साथ ही साथ फेसबुक पेज की लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे तो आपको 100% जो है रिप्लाई मिलने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।